विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो बोला, अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो क्यों हो ना हम एक लैंड पैलेस में एक पार्टी अरेंज करें। किस उनका शिशन बोले, हाँ ये काफ़ी अच्छा आइडिया है और इस चीज़ में मैं वेव ओशियन का सपोर्ट करूँगा। कैंग से सैंड्रन, उनकी सोल, बोली, हाँ मैं भी इसमें शामिल होंगी। बाकी के जितने लोग थे वो भी सब हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। विंग बहुत खुश था कि सभी लोग इस चीज़ के लिए राजी थे, मतलब सभी लोग नहीं भी थे। अब वो सब लांच टैंक की ओर देख रहे थे जो कि बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ ऐसे खड़े हुए थे। विंग बोला, अंकल आप तो कुछ कहिए ना। लांच टैंक ने कैंग से सैंड्रन की ओर देखा जिन्होंने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर उन्होंने बाकी सब लोगों की ओर भी देखा जो कि उनसे कुछ किसी आंसर की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। लांच टैंक ने गहरी सांस लियो, कहा, अच्छा ठीक है तुम लोग पार्टी दे सकते हो। ये सुनकर विंग तो खुशी के मारे उछल गया। कैंग से सैंड्रन और वांग जी विंग को देखकर काफ़ी खुश थे। जेंग चेंग अपने छोटे भाई को देखकर काफ़ी खुश था, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब भी फील कर रहा था क्योंकि लांच चैन उसको काफ़ी देर से घूरे जा रहा था। चेंग इस लैन को हिट करना चाहता था जिसकी आंखें सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी जब से वो लैन पैलेस में आया था। चेंग को लांच चैन की आंखों में कुछ अलग ही फील हो रहा था जिसकी वजह से उसे अपने स्टमक में बटरफ्लाइज महसूस हो रही थी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है। वैसे तो उसे लांच चैन काफ़ी स्मार्ट लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके दिल में कैसी फीलिंग्स हैं या फिर वो समझ ही नहीं पा रहा था कुछ भी। डिसाइड किया गया कि 3 दिन बाद लैन पैलेस में पार्टी दी जाएगी। सारी सेक्स को इनविटेशन दे दिया गया। जियांग फेंगमियान और जेंग चेंग लैन पैलेस में ही रुके हुए थे। वो कल यानी कि दूसरे दिन यूनमेंग जाएंगे। विंग ने अपनी मॉम और ग्रैंड माँ को फेयरवेल विश किया। बॉशन सैंड्रन बोली कि वो जल्दी ही वापस आएंगी। वो बोली कि वो विंग के लिए एक टीचर को भेजेंगी जो कि विंग को उसकी पावर्स के बारे में सिखाएगा और कैसे उसे अपने ड्रैगन को कंट्रोल करना है, उसकी पावर्स को यूज़ करना है। जैसे उनका विंग बहुत खुश हो गया। वो खुश था, वो इस चीज़ से एक्साइटेड था कि जल्द ही वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा, लेकिन वो काफ़ी इमोशनल था अपनी माँ को जाते हुए देखकर। शिजन चेंग की ओर देखकर काफ़ी देर से स्माइल कर रहा था। दरअसल शिजन ने चेंग का हाथ पकड़ लिया था जिसकी वजह से चेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अब शिजन की ओर घूर कर देख रहा था। शिजन ने स्माइल करते हुए कहा, एंग्री लोटस कितना क्यूट है ये। वांग जी अपने भाई को देख रहा था जो कि काफ़ी देर से चेंग की ओर देखे जा रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो अपने सेंसर्स में वापस आया जब उसे विंग के सॉफ्ट हैंड्स अपने हैंड पर महसूस हुए। वांग जी ने विंग की ओर देखा जो कि उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। विंग बोला, लैन जैन चलो ना हम वापस चलते हैं, हम खाना खाने के लिए बाद में आ जाएंगे। ये सुनकर वांग जी बोला, अच्छा ठीक है, और फिर वो अपने जिंगशी की ओर जाने लगे। कुछ टाइम बाद डिनर टाइम आ गया। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। विंग बहुत खुशी खुशी वांग जी को फूड सर्व कर रहा था और वांग जी भी सेम यही चीज़ कर रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि विंग उसे इतना ज़्यादा अटेंशन जो दे रहा था। उसका दिल तेज़ से धड़क रहा था क्योंकि विंग इतना खूबसूरत जो था, उसका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे जैसे कि उन्हें किसी और की मौजूदगी का एहसास ही ना हो। लांच डैन और फेंग मियान चुपचाप अपना खाना खाने लगे। शिजन चेंग के बाउल में कुछ रखना चाहता था लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि चेंग शिजन की ओर गुस्से में जो देख रहा था। आखिर में शिजन ने एक मीट बॉल चेंग के बाउल में रखी थी और ऐसे नाटक किया जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। चेंग ने पहले तो शिजन की ओर देखा और फिर मीट बॉल की ओर देखा और फिर वो स्माइल करने लगा। डिनर ख़त्म हो चुका था। फेंग मियान अपने क्वार्टर में चले गए। लांच डैन भी अपने चैम्बर में चले गए। शिजन ने चेंग से कहा कि वो उसके साथ रहना चाहता है। यह सुनकर चेंग ने उसे कुछ नहीं कहा और वहाँ से वो जल्दी जल्दी जाने लगा और ये देखकर शिजन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। शिजन बोला, यंग मास्टर जियांग मेरे लिए रुकिए ना।
चेंग शिचन को इग्नोर कर रहा था। अब जब चेंग रुक ही नहीं रहा था तो तभी शिचन ने उसका हाथ पकड़ लिया। चेंग अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि शिचन ने उसका हाथ पकड़ रखा। चेंग ने फिर शिचन के फेस की ओर देखा। शिचन ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया और बोला, आई एम सॉरी। चेंग ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, तुम इतने ज़्यादा क्लिंजी क्यों हो? अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो आओ, लेकिन मुझे टच मत करना। ये कहकर चेंग वहाँ से जाने लगा। उसे अपने दिल में कुछ महसूस हो रहा था जब शिचन ने उसके हाथ को पकड़ा था। शिचन मुस्कुराया और फिर वो चेंग के पीछे पीछे जाने लगा। विंग और वांगजी जिंगशी में आ गए थे। वांगजी बाथरूम में गया फ्रेश होने के लिए, जबकि विंग बेड पर ही लेटा हुआ था। विंग ने अपनी आँखें कुछ देर के लिए बंद कर ली। उसे अपनी बॉडी में हीट सी महसूस हो रही थी। उसे कुछ चाहिए था, कुछ और नहीं बल्कि अपने अल्फा का टच। उसने सोचा, ये क्या हो रहा है? क्या मैं हीट में हूँ? ये तो मेरा पहली बार है। मैं तो मेडिसिन भी नहीं ली। अब क्या मैं करूँ? अब मैं क्या करूँ? कुछ टाइम बाद वांगजी बाथरूम से बाहर आया। उसने विंग की ओर देखा जो कि बेड पर आँखें बंद करके लेटा हुआ था। वांगजी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। पहले वो विंग के फेस को कितना ज़्यादा देखना चाहता था और अब वो ब्लाइंड भी नहीं था। वो विंग को जितना चाहे जितना मर्जी उतना देख सकता था। वांगजी को अपनी फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसे एक बात तो बहुत अच्छे समझ में आ गई थी कि वो विंग को अपने करीब रखना चाहता था। वो विंग को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद विंग ने अपनी आँखें खोली और वांगजी की ओर देखा जो कि उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रहा था। विंग को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई कि वो वांगजी के करीब जाए और उसे टच करे। विंग मुस्कुराया और वो वांगजी करीब चला गया। वांगजी विंग की ओर ही देख रहा था। विंग के फेस पर एक नॉटी सी स्माइल आ गई। वो बोला, लाना गागा, क्या आप मेरी खूबसूरती में खो चुके हो? वांगजी ने अनकॉन्शियसली हाँ में अपना सिर हिलाया। ये देखकर विंग को हंसी आ गई और उसने अपने हाथ वांगजी के नेक के अराउंड रैप कर लिए। विंग बोला, अर काका, आप इतने ज़्यादा क्यूट क्यों हो? मैं आपको किस करना चाहता हूँ। ये सुनकर वांगजी अपने सेंसेस में आया, लेकिन विंग अभी भी अपने ही थॉट्स में था। वो वांगजी के लिप्स की ओर देख रहा था। तभी विंग ने वांगजी के चेहरे को अपनी ओर खींचा और उसने अपने लिप्स वांगजी के लिप्स पर रख दिए। वांगजी शॉक्ड हो गया था विंग के इस बोल्ड एक्शन से। वो अपनी जगह पर एक स्टैचू के जैसे खड़ा हुआ था। विंग पूरी तरह से उस किस में खो गया था। उसे वांगजी के वो सॉफ्ट लिप्स की फीलिंग अपने लिप्स पर बहुत ही अच्छी महसूस हो रही थी और सेम ही हाल वांगजी का भी था। अब वो रिलैक्स हो चुका था और उसने भी अपने लिप्स को मूव करना शुरू कर दिया। विंग शॉक्ड हो गया जब उसे वांगजी के लिप्स मूव होते हुए महसूस हुए, लेकिन उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने वांगजी को और अपने करीब खींच लिया। वांगजी ने अपनी हाथ विंग के कमर के अराउंड रैप कर लिए और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो दोनों पूरी तरह से किस में खो गए थे कि उन्होंने ये भी नहीं नोटिस किया कि वो बेड के करीब आ गए। वांगजी ने विंग को बेड पर पुश किया और वो उसके ऊपर आ गया। वो अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। विंग अपने स्वीट इंटॉक्सिकेटिंग ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से वांगजी अपने कंट्रोल को खोने लगा था। विंग ने वांगजी को अपने ऊपर से पुश करने की कोशिश करी जब वो सांस नहीं ले पा रहा था सही से, लेकिन वांगजी था कि वो विंग को छोड़ने को बिल्कुल भी नहीं तैयार था। वो विंग को और ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगा, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे ना चाहते हुए विंग के लिप्स को छोड़ना पड़ा। वो दोनों हैवीली ब्रीथ कर रहे थे और एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में लस्ट, प्यार, सब कुछ दिख रहा था। वांगजी को विंग बहुत ही ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग और अट्रैक्टिव लगा, उसके रेड स्वेलन लिप्स देखकर और उसके मेसी हेयर्स देखकर। विंग का फेस रेड हो गया था और उसकी बॉडी बिल्कुल जल रही थी। उसने अपने शरीर पर से अपना कंट्रोल खो दिया था। वो वांगजी के अल्फा टच को महसूस करना चाहता था। उसने बोला, लैंजन, मेरे अल्फा, मुझे अपनी बाहों में ले लो। ये सुनकर वांगजी की आंखें और ज़्यादा डार्क हो गईं। उसने कहा, क्या, मेरे अल्फा? वो विंग के मुँह से ये शब्द सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसने फिर विंग के लिप्स पर और ज़्यादा पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया।
विंग की बॉडी की हीट और ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही थी। वो अपने अल्फा यानी कि वांग जी को पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता था। उनका वो किस और ज़्यादा हॉट होता चला गया। तभी विंग ने वांग जी के जो फोरहेड पर रिबन था उसको अपने हाथ से हटाया और उसे साइड में रख दिया। वांग जी अब अपने ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था। उसने अपने फेरोमोन्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। विंग को वांग जी के फेरोमोन्स बहुत अच्छे महसूस हो रहे थे और धीरे धीरे उनके बीच में लव मेकिंग स्टार्ट हो गया। विंग की पूरी बॉडी पर लव बाइट के मार्क आ गए थे, बना दिए थे वांग जी ने। पूरा रूम वांग जी और विंग के फेरोमोन्स से भरा हुआ था। वांग जी अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था विंग को प्यार करने से। वो दोनों रुक गए और काफ़ी थक चुके थे। उनके अंदर अब बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि वो बेड पर से उठें और ख़ुद को क्लीन कर सकें। वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में ले लिया और वो दोनों आंखें बंद करके सो गए। अगली सुबह वांग जी उठा जब उसके चेहरे पर सूर्य की रोशनी पड़ी। उसने बेड पर से उठने की कोशिश करी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसे अपनी चेस्ट पर बहुत हैवी वेट महसूस हो रहा था। तभी उसकी नज़र अपने ऊपर लेटे हुए विंग पर गई जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी देखकर काफ़ी शॉक्ड हो गया क्योंकि वो और विंग बिल्कुल अनड्रेस्ड थे। वांग जी को सब कुछ याद आने लगा कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ था। उसके ईयर्स और नेक दोनों ही रेड हो गए थे। वो फिर से अराउज होने लगा था लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया। लेकिन विंग था कि वो हिलता डुलता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से वांग जी को कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है उसकी बॉडी में। वांग जी ने विंग को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करी लेकिन विंग था कि उसके ऊपर से हटने को तैयार ही नहीं था। इसके बजाय उसने वांग जी को और कसकर पकड़ लिया। विंग की वांग जी अभी भी हॉट थी, मतलब ये था कि वो अभी भी हीट में था। वांग जी बोला, विंग मेरे ऊपर से उठो। विंग ने अपने लिप्स को वांग जी के चेस्ट से रखना शुरू कर दिया और फिर कुछ देर बाद जब उसने अपनी आँखें खोली और वांग जी की ओर देखा तो उसे देखा कि वांग जी की आँखें बिल्कुल गोल्डन ब्राइट कलर की हो गई थी। विंग ने स्माइल किया और वांग जी को अपनी ओर खींच कर उसे किस करने लगा। वांग जी भी विंग को किस कर रहा था। वो दोनों फिर से एक बार इंटीमेट होने लगे। पूरे दिन वांग जी और विंग अपने रूम से बाहर नहीं निकले। लांचरियन ने कई बार पूछा कि विंग और वांग जी के साथ क्या हुआ है, वो अपने रूम से बाहर क्यों नहीं आए हैं। लेकिन शिचन के पास तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो ये बोल सके कि वांग जी और विंग रूम में क्या कर रहे थे। फेंग मियान और चेंग भी विंग के बारे में पूछ रहे थे क्योंकि वो जाने वाले थे और वो विंग से एक बार मिलना चाहते थे जाने से पहले। ऊपर से बाओशन स्टैंडर्न ने विंग के लिए एक ट्रेनर सेंड किया था जो कि विंग को उसकी पावर्स कैसे यूज़ करनी है उसे बताएगा और उसको कंट्रोल कैसे करना है और उसे और वो अपने ड्रैगन को कैसे कंट्रोल करेगा, ये सारी चीज़ें वो ट्रेनर विंग को सिखाता। शिचन ने फाइनली बोला, वांग जी और विंग अपने रूम में हैं और हीट और रट को एक साथ स्पेंड कर रहे हैं। ये सुनकर सभी के चेहरे रेड हो गए। फेंग मियान और चेंग बिना विंग से मिले ही वहाँ से चले गए क्योंकि शाम होने लगी थी और उन्हें युनमंग के लिए जो निकलना था। शिचन उदास था क्योंकि वो चेंग के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। उसने अपने आप को समझाया ये सोचकर कि वो फिर से चेंग से पार्टी में ज़रूर मिलेगा। लांचरियन ने विंग के ट्रेनर के लिए एक रूम अरेंज किया। शिचन ने वांग जी और विंग के लंच को और डिनर को जिंगशी के दरवाजे के बाहर रख दिया लेकिन वांग जी और विंग ने कुछ भी नहीं खाया। अगले दिन भी सेम ही हालत थी। विंग और वांग जी पूरा दिन अपने रूम में ही रहे। वांग जी अपनी रट में था इसलिए वो अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब उसकी रट कुछ कम पड़ी तो उसने खाना लिया जो कि शिचन ने भेजा था और उसने वो खाना विंग के साथ खाया। फाइनली विंग की हीट आज एंड हो गई। वो बेड पर लेटा हुआ था और वांग जी को हग किए हुए था। वांग जी पहले उठ गया, उसने अपनी आंखें खोली और विंग की ओर देखा जो कि सो रहा था। वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल लगा और उसने विंग के फोरहेड पर किस किया। उसने सोचा, विंग मुझे नहीं पता कि ये कैसी फीलिंग्स हैं लेकिन मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो। मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हारे इस मुस्कुराते हुए चेहरे को हर दिन देखना चाहता हूँ। मुझे छोड़कर मत जाना क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बिना जी पाऊँगा। ये सुनकर विंग ने स्माइल करते हुए कहा, मैं भी यही फील करता हूँ, मैं भी तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी शॉक्ड हो गया। विंग ने अपनी आँखें खोली और स्माइल करते हुए कहा,
आर काका, आपकी आवाज़, आपके थॉट्स थे इसलिए मैं इन्हें सुन सकता हूँ, और मैंने सबको सुन लिया। वांगजी ने कुछ नहीं कहा, वो विंग की ओर बहुत प्यार से देख रहा था। विंग ने वांगजी को और कसकर हक कर लिया और वो बोला, मैं आपके बाहों में और देर तक रहना चाहता हूँ। वांगजी ने विंग की ओर देखकर हल्का सा स्माइल किया और फिर उसने विंग को कसकर हक कर लिया। वो भी बेड पर से नहीं उठना चाहता था। कुछ टाइम बाद किसी ने डोर पर नॉक किया। वांगजी ने पूछा, कौन? तो एक सर्वेंट की आवाज़ आई। वो बोला, सेकंड प्रिंस लैन, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। तो वांगजी बोला, ठीक है। सर्वेंट वहाँ से चला गया। वांगजी बोला, विंग चलो हम फ्रेश हो जाते हैं। विंग ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वांगजी फिर बेड पर से उठ गया। वो बाथरूम में गया और उसने बाथ टब को वार्म वाटर से भर दिया। विंग का फेस रेड था जब उसने लैंसन को, जो कि बिल्कुल अनड्रेस था, मतलब कि उसने क्लॉथ नहीं पहन रखे थे। वांगजी अपने रूम में वापस आया। विंग बेड पर से उठने लगा लेकिन वो नहीं उठ पाया क्योंकि उसे अपनी बॉडी में, अपनी पीठ में बहुत तेज पेन महसूस हो रहा था। वांगजी चिंतित हो गया। बोला, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, लैंसन तुमने तो मेरी हालत ही बिगाड़ दी। हाँ, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। तुम सच में बहुत बहुत ही बीस्ट हो, मुझे उठने में हेल्प करो। ये सुनकर वांगजी के कान में कोई रेड हो गया। उसने विंग को उठने में हेल्प करी। विंग उठ नहीं पा रहा था तो इसीलिए वांगजी ने उसे अपनी बाहों में उठाया और वो उसे लेकर बाथरूम में जाने लगा। वांगजी बोला, विंग तुम पहले नहा लो, मैं बाद में नहा लूँगा। वांगजी कान रेड हो चुके थे। विंग ने नॉटी स्माइल करते हुए कहा, लाना काका हम एक साथ नहा सकते हैं ना? आप इतना ज़्यादा शाय क्यों फील कर रहे हो? हम तो ऑलरेडी। वांगजी ने कुछ कहा नहीं और वो बाथरूम से बाहर चला गया। विंग ने कहा, ये भी ना। वैसे तो उसने ये लैंसन को टीज करने के लिए कहा था लेकिन वो अंदर ही अंदर चाहता था कि लैंसन उसे ज्वाइन करे। विंग ने गहरी सांस ली और फिर उसने बाथ लेना शुरू कर दिया। उसे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था उस वार्म वाटर में बाथ लेकर। विंग और वांगजी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। वांगजी चुपचाप विंग को बीच बीच में देखे जा रहा था। विंग ने उसे टीज करते हुए कहा, आर काका क्या आप खाने की जगह मुझे खाना चाहते हो जो आप ऐसे मुझे बार बार देख रहे हो? वांगजी ने अपना थ्रोट को क्लियर करते हुए कहा, ऐसा नहीं है, और फिर वो चुपचाप अपना खाना खाने लगा। ये देखकर विंग को हंसी आ गई। कुछ टाइम बाद वो दोनों जिंगशी से बाहर आए। वो मेन हॉल की तरफ जा रहे थे लेकिन वो बीच में ही रुक गए जब उन्हें उनकी तरफ शिचन आता हुआ दिखाई दिया। वांगजी और विंग ने शिचन को बो किया। शिचन कहा, वेवुशियन तुम्हारा ट्रेनर आ गया है एक दिन पहले ही। अगर तुम बेटर फील कर रहे हो तो तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो, वरना। विंग काफ़ी एक्साइटेड था। वो बोला, हाँ मैं, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है, मैं बहुत खुश होऊंगा प्रैक्टिस करके। वांगजी ने विंग के एक्साइटमेंट को देखकर उसकी तरफ स्माइल किया। शिचन वांगजी के एक्सप्रेशंस को देख रहा था। विंग बोला, शिचन काका क्या अंकल और चेंग चेंग चले गए हैं और कल तो पार्टी है ना? शिचन बोला, हाँ सेक्टर लीडर जियांग और यंग मास्टर जियांग एक दिन पहले ही चले गए और कल पार्टी है। विंग बहुत खुश था और वो बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जेंग चेंग और अंकल से और शिजे से कल मिलूँगा। शिचन ने अपना सिर हाँ मिलाया। शिचन बोला, वेवुशियन चलो हम तुम्हारे ट्रेनर से चलकर मिलते हैं। विंग काफ़ी खुश था और फिर वो वहाँ से जाने लगे। विंग अपने ट्रेनर से मिला। वो उनकी तरफ देख रहा था जो कि बहुत हैंडसम थे, लेकिन वांगजी को अच्छा ही लगा कि विंग जिस तरह से उस ट्रेनर को देख रहा था। ट्रेनर ने विंग को इंस्ट्रक्शन दिए और विंग ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वांगजी ने कहा कि वो भी विंग के साथ प्रैक्टिस करेगा। ये सुनकर विंग बहुत खुश हो गया। वांगजी ने भी विंग के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो विंग को कुछ ट्रिक्स शो कर रहा था। विंग का दिमाग बहुत तेज़ था सो इसी वजह से वो हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी सीख ले रहा था। ट्रेनर को वांगजी का इंटरफेरेंस अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वांगजी ट्रेनर की ओर घूर कर देख रहा था जबकि ट्रेनर अपनी आंखें इधर उधर कर दे रहा था। विंग तो प्रैक्टिस करने में बिजी था तो इसीलिए उसे इस सब के बारे में पता ही नहीं था। पूरा दिन विंग ने प्रैक्टिस करी। वो एक छोटे से बच्चे की तरह खुश था अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस करके। वांगजी विंग को देखकर खुश था। अगले दिन पार्टी की सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी। विंग को लैंड पैलेस की डेकोरेशन काफ़ी अच्छी लगी। वो
कल की पार्टी के लिए बहुत खुश था। वांगजी और विंग जिंगशी में वापस आए। ऑलरेडी रात का 10 बज चुका था। विंग एक पेड़ के पास बैठकर वांगजी के साथ सितारों को देखना चाहता था, इसी वजह से वो इतना देर से जिंगशी में आया था। विंग वांगजी के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। ये सुनकर वांगजी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। विंग ने वांगजी को अपनी चाइल्डहुड स्टोरीज़ के बारे में बताया। वांगजी बहुत खुश था उन स्टोरीज़ को सुनकर। वांगजी इसके बाद फ्रेश हुआ। विंग अभी भी अपनी मैजिक ट्रिक्स को प्रैक्टिस कर रहा था जो कि उसने आज सीखी थी। वांगजी अपने बाथरूम से बाहर आया, उसने विंग को देखा जो कि बेड पर लेटा हुआ था। वांगजी बोला, विंग तुम भी नहा लो। विंग ने बेड पर लेटे हुए कहा, लेकिन मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं कल नहा लूँगा। ना ही सुनकर वांगजी बोला, लेकिन तुम इतने ज़्यादा स्वेटी हो, तुम इस तरह से बेड पर नहीं लेट सकते हो, सो सकते हो। विंग ने कहा, लानर गागा, अगर आप मुझे ढेर सारे किसेस मेरे फेस पर देने का वादा करते हैं तो फिर मैं नहाने जाने के लिए तैयार हूँ। वांगजी ने कुछ कहा नहीं, वो ब्लैंकली विंग की ओर देखे जा रहा था। विंग का फेस और ज़्यादा बनता चला गया, वो वांगजी की ओर पपी आई से देख रहा था। वांगजी अपने आप को रोक नहीं पाया उन ब्यूटीफुल आइस में खोने से। वो बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। ये सुनकर विंग एक बनी की तरह वांगजी की ओर जाने लगा। उसने वांगजी के फेस को अपने हाथों से पकड़ा और उसके लिप्स पर एक हल्का सा किस करते हुए कहा, अयो लैनजैन, तुम कितने अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने वांगजी के लिप्स पर कई सारे किसेस किए, जिसकी वजह से वांगजी बिल्कुल फ्रीज हो गया था अपनी जगह पर। उसने रियलाइज़ भी नहीं किया कि उसने क्या किया था। कुछ टाइम बाद वांगजी अपने सेंसेस से वापस आया और वो सब कुछ सोचने लगा कि अभी क्या हुआ था। उसे सोचा, विंग ने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, ये कैसी फीलिंग्स हैं, मैं ब्रदर्स के बारे में पूछूंगा। वांगजी काफ़ी कन्फ्यूज था। उसने अपने सिर को हाँ में लाया और फिर वो बेड पर बैठ गया। उसने अपने लिप्स को टच किया और वो स्माइल करने लगा। विंग बाथरूम के बाहर आया, उसने वांगजी की ओर देखा जो कि बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। विंग ने स्माइल किया, फिर वो भी बेड पर लेट गया। विंग ने वांगजी को हक करते हुए कहा, गुड नाइट लाना गागा, आपने मुझे मैं रिवॉर्ड तो नहीं दिया, लेकिन ठीक है, मैं उसे अगली बार ले लूँगा। विंग ने अपनी आँखें क्लोज कर ली। वो बहुत जल्दी सो गया था क्योंकि वो बहुत थका हुआ जो था। वांगजी ने अपनी आँखें खोली और वो विंग को देखने लगा। विंग जब कभी भी वांगजी को लानर काका कहकर बोलता था तो वांगजी के दिल में एक अजीब सी फीलिंग होती थी और वांगजी को ये बहुत अच्छा महसूस होता था। वांगजी ने भी विंग को कसकर हक कर लिया, अपनी आँखें बंद कर ली और कुछ टाइम बाद वो दोनों सो गए।